चिटगांव का जब मैंने एलएसडी ख़त्म की थी, शूटिंग ख़त्म की थी, तो उसके बाद मैंने चिटगांव की शूट शुरू कर दी थी। तो देखा जाए तो ये ऑफिशियली मेरी सेकंड फिल्म है, पर किसी कारणवश ये इतना डिले हो गया रिलीज़ होने में, पर अभी हो रही है फाइनली, तो हम सब लोग बहुत खुश हैं। तो आई थिंक एलएसडी के बाद ही मैंने ऑडिशन दिया, हनी त्रिहान हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे उनको, और उसी से मुझे चिटगांव मिली। मैं एलएसडी की शूट मैंने ख़त्म की थी और बेदो यहाँ पे आए थे बॉम्बे में, और मुझे पता चला था कि ऐसे एक फिल्म बन रही है चिटगांव, और उससे पहले मुझे चिटगांव क्या है इस सब के बारे में कुछ नहीं मालूम था। हाँ, ये पता था बस एक स्टेडियम है चिटगांव में, इतना ही मैं जानता था चिटगांव के बारे में। और फिर मुझे बुलाया गया ऑडिशन के लिए, स्क्रीन टेस्ट के लिए, मैं गया और मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ। बेदो खुद वहाँ पे थे, उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया और उनको पसंद आया, तो वो चाहते थे मैं इस फिल्म का हिस्सा बनूँ, तो उन्होंने मुझे ये लोकनाथ बल के कैरेक्टर के लिए फिर से बुलाया, दोबारा बुलाया एक स्क्रीन टेस्ट के लिए। तो फिर वो स्क्रीन टेस्ट हुआ और तब फाइनल हो गई कास्टिंग। मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मैं मनोज बाजपेयी के साथ शूट करने का मौका मिल रहा था मुझे, क्योंकि मेरे वो बहुत ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था अपने करियर के शुरुआत में, तो मैं इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था। और फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत कमाल लगी, मतलब वाकई स्क्रिप्ट में बहुत जान थी और मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, और पूरी जो ऑनसम्बल कास्ट थी हमारी, मनोज, नवाज़, मैं, जयदीप, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉम्बिनेशन था। और शूटिंग थी नॉर्थ बंगाल में, तो एक पूरा अलग कल्चर था, तो ये सब चीज़ें थी जिन्होंने मुझे इस फिल्म को करने के लिए मुझे बढ़ावा दिया। फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम है लोकनाथ बल, ही वॉज़ वन ऑफ द यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स, जो पांच हम लीडर्स थे उनमें, और बहुत ही जज्बाती और लेकिन बहुत ही एकदम आगे बढ़ के लड़ने वाला कैरेक्टर है, और डरता नहीं है किसी, एकदम लड़ने को तैयार है, तो ये है। और रियल लाइफ कैरेक्टर है। आई थिंक एज एन एक्टर वही मज़ा है कि मतलब आप हर फिल्म में कुछ नया करने का अगर मौका मिले, तो आई थिंक एक्टर को एक वही चाहिए, अच्छी मतलब अच्छा काम वही होता है जो हर कैरेक्टर ले करने का मौका मिले। अगर आप सब फिल्मों में एक ही जैसा कैरेक्टर कर रहे हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत बोरिंग हो जाएगा। नहीं, मस्ती बहुत हुई, हम लोगों ने कैलकटा का बहुत खाना खाया, मतलब वहाँ के पुचका, और कैलकटा की मिठाई बहुत फेमस है, रसगुल्ला हमने बहुत खाए। और हम लोग जब उसके बाद हमने कैलकटा में कुछ 10 दिन शूट किया, फिर हम लोग नॉर्थ बंगाल में शिफ्ट हुए, लाताकुड़ी करके एक जगह है, मतलब घना जंगल है, तो हम लोग वहाँ एकदम वाइल्ड एलिफेंट्स थे और इन सब के बीच में हम लोग शूट करते थे, तो एक डर भी था लेकिन एक रोमांच भी था, शूट करने का मज़ा भी आता था। और मतलब मनोज सर के साथ शूट किया तो बहुत मज़ा आया, वो इतने मतलब दिलदार हैं और इतने काम के प्रति इतने फोकस हैं, लेकिन साथ ही साथ एक एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं आपके, तो हम सब लोग एक टीम की तरह थे, सब एक परिवार की तरह थे वहाँ पे। एक्चुअली ये मुझे दिवाकर बैनर्जी, जब मैंने फर्स्ट फिल्म की थी, उन्होंने मुझे ये एक एक फॉर्मूला बताया हुआ कि जब फिल्म हो जाए तो उसके बाद उसके बारे में भूल जाओ, मतलब उसका क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारे हाथ में भी नहीं है, तो जो हमारी चीज़ हमारे हाथ में ना हो तो उसके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं है। मतलब नेचुरली आप चाहते हो आपने काम किया, आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो, वो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं सोचता, मतलब ऐसे टेंशन में नहीं बैठ जाता, प्रे नहीं करता रहता कि क्या हो, अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो। मैंने अपना काम जो है उस एक्शन और कट के दौरान, उस बीच में जो अगर मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है, तो वो आई थिंक वही मेरे लिए एक सक्सेस है। अगर उसमें मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मेरे लिए बहुत बुरी बात है, तो मुझे परेशान होना चाहिए। इसमें शंकर एहसान लॉय ने म्यूज़िक दिया है और मैंने गाने सुने हैं, और बहुत ही अलग म्यूज़िक है, मतलब शंकर एहसान लॉय का बहुत ही एक अलग एल्बम आया है ये बहुत दिनों बाद। इसमें फोक भी है, इसमें बंगाली म्यूज़िक भी है, देशभक्ति के गीत भी हैं, तो काफ़ी मिला जुला एल्बम है। आई थिंक मैसेज यही है कि अच्छी फिल्म है। अभी अभी आपने वासेपुर देखी है, तो उसमें मनोज, मैं, नवाज़, जयदीप हम चारों थे, तो एक तरह का हम ये मजाक करते हैं कि मतलब पूरा वासेपुर टीम वापस आ रही है एक और फिल्म लेके, तो यही है, हमको फिर से हम सबको देखने का मौका मिलेगा। और एक ऑनेस्ट फिल्म है, एक ईमानदारी से दिल से बनाई हुई फिल्म है, इस फिल्म में एक सोल है, तो जब आप देख के निकलेंगे तो आप निराश नहीं होंगे, मैं ये कह सकता हूँ। मैं एक्चुअली अभी ये नहीं मानता कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, आई थिंक अभी बहुत काम बाकी है। अभी तो मैं सिर्फ जो अच्छी स्क्रिप्ट आती हैं, अगर पांच आती हैं उसमें से दो अच्छी होती हैं तो मैं दो में से एक सिलेक्ट करके, अभी तो मेरा ध्यान सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे है, और सक्सेस कितनी आई है या नहीं आई ये अभी मैं सोचता नहीं हूँ, ये मैं बहुत ही ऑनेस्टली कह रहा हूँ। और
मेरा अभी बस ये कि अच्छा काम करना है, और सक्सेस तो आई थिंक आप अपना काम अच्छे से करते जाओ तो अपने आप ही आ जाती है सक्सेस, पैसा ये सब तो आपको फॉलो करते हैं। पर ये कि मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में मुझे इतना कुछ दिया है, और लोगों ने मेरा काम पसंद किया, डायरेक्टर्स ने मुझे मेरा काम पसंद किया, मुझे आगे काम दिया, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबका। देखते हैं आगे कहाँ ले जाती है ज़िंदगी।